गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आई होप यू आर डूइंग वेल। और अभी तक तो रिविजन्स भी कंप्लीट हो गए तुम्हारे और क्वेश्चंस भी तुमने काफी किया, चलो अच्छा कर रहे हो। अब क्या करते हैं, आज हम क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस सेशंस में लिया है और इससे क्या होगा कि कंप्लीट तुम्हारा रिविजन्स भी हो जाएगा और तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा कि अभी हमें कौन से चैप्टर से और भी कितना हमें स्टडी करना है। क्योंकि ये डिपेंड करेगा ना कि जो जिस चैप्टर के क्वेश्चंस तुमसे नहीं होंगे वहां पर तुम्हें थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की नीड है। यहाँ पर अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो क्वेश्चंस पर मूव करते हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस अपना, ठीक है। रीड करो क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चंस में बोल रखा है कि ये क्या है, अपने पास मॉलिक्यूल फॉर्मूला गिवन है ये। अब इससे हमें बोल रखा है कि ये क्या दे रखा है, ये फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है। इसका मतलब है इसमें क्या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप है बट इसने बोल रखा कि साथ में क्या देता है, नेगेटिव टोलुइन टेस्ट एंड नेगेटिव आइडोफोम टेस्ट। और आइडोफोम टेस्ट कब देता, जब कार्बोनिल ग्रुप के पास में क्या अटैच हो, CH3 अटैच हो। इसका मतलब अगर इसको काउंट करेंगे 1 और 2, मतलब 2 वाला पोजीशन तो होगा नहीं, तो ये वाला कैंसिल हो गया। एल्कोहल हमें पता इस कंडीशंस में रिएक्शन देता नहीं है और एल्डिहाइड भी टोलुइन टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, तो इसने बोला नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं बनती, ओनली पॉसिबिलिटी ए बचती है। अगर इसकी स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो कैसी बनेगी, CH3 1 2 3 4 5 और यहाँ पर बनेगा ये। अब ये क्या होगा, आइडोफोम टेस्ट भी नहीं देगा, टोलुइन टेस्ट भी नहीं देता, क्योंकि टोलुइन टेस्ट तो ओनली एल्डिहाइड देते हैं ना। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस की बेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। अब ये मुझे बताओ ये स्टेप कहां से निकल के आती है, ये स्टेप होती है एनिलीन की रिएक्शन होती है, HNO2 एंड HCl की रिएक्शन होती है, तभी ये प्रोडक्ट बनता है अपने पास, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी बोला है कि हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें सबको पता है क्या बनता है, यहाँ पर फिनोल बन जाता, क्या बनता, फिनोल बनता, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर, विटामिन विच प्ले विट्रल रोल ऑफ द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, जो जैसे कि ब्लड बोलते हैं कि ब्लड का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए होता है विटामिन के होता। अब बोल रखा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स टू प्रोडक्ट इज गिव बाय द इक्वेशन आर इक्वल टू के। ये इक्वेशन गिवन है, बोल रखा है कि अगर बी की कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो उन्होंने यहाँ पे अगर ये दिया गिवन होता ना एक्स और वाई, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बट इस कंडीशन में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, कांट बी प्रिडिक्टेड। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर, बोल रखा कि आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक कब बोलते हैं मुझे बताओ, आइसोटोनिक बोलते हैं जब दो लिक्विड्स होंगे ना, दो लिक्विड्स उनकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी, जैसे C1 इक्वल टू C2, तभी तो हम बोलेंगे ना कि, और हमें पता जो पाई इक्वल टू क्या होता, पाई इक्वल टू ये पाई वो नहीं 22/7 वाला नहीं है, यह अपना ऑस्मेटिक प्रेशर, तो हमें पता क्या होता, वोनटॉफ कोफिशिएंट CRT, तो ये तो हमें पता कॉन्स्टेंट वैल्यू है और इसको भी हम इग्नोर करते हैं। तो अगर C1 इक्वल टू C2 होंगे तो क्या हो जाएगा, तो पाई1 इक्वल टू पाई2 भी होगा, तो हम उसके लिए हम बोलेंगे सेम ऑस्मेटिक प्रेशर होंगे कंडीशंस में। अब मूव करते हैं कि पोटेशियम जो KMnO4 है वो क्या करता है, एक्ट इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करता है कि इन बेसिक कंडीशंस में जो पोटेशियम आयोडाइड है ना उसको किस में कन्वर्ट करता, IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता उसको। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, बोल रखा है कि इसमें से कौन सा चिलेट बनाता है। अब चिलेट का तो सबको आइडिया है ना क्या होता है, चिलेट, चिलेट का मतलब होता है कि जैसे कि ये मेटल हो गए और ये कोई भी क्या हुआ लिगेंड हुआ, अगर ये एक रिंग फॉर्मेशन करता ना तो रिंग फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं या किलेटेशन बोलते हैं। तो बोलते हैं बताओ रिंग फॉर्म, ये तो मोनोडेंटेट है तो ये तो पॉसिबल नहीं होगी, ये भी मोनोडेंटेट है दोनों तो ये भी पॉसिबल नहीं होगी, और एफ भी क्या हेलोजन से ये मोनोडेंटेट है, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखते हैं जो EN होता है ना ये क्या होता है, डाइडेंटेट होता है। EN की फुल फॉर्म क्या होता है, CH2 और इन पर क्या होता है NH2 लगा होता है, यहाँ पर NH2 इस साइड होगा और NH2 इस साइड होगा। अब यहाँ पर मेटल को डोनेट करेगा ना, अब बताइए स्टेबल कंपाउंड क्यों बनते हैं, इसका रीजन क्या होता है कि 1 2
3, 4, 5 मेंबर की रिंग्स फॉर्म होती है यहाँ पर। और हमें पता है जहां पर 6 मेंबर और 5 मेंबर्स रिंग फॉर्म हो ना, वो क्या होते हैं, काफी स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, साइकिल फॉर्म में आ जाता है, तभी तो बेंजीन इतनी स्टेबल होती है ना। अब हम बोल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रखा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरेज द नोट शो कि कौन सा इनएक्टिव हो, और तुम्हें याद होगा ये मैंने होमवर्क करवाया था इससे पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो एक बार उसको देख लेना, इसका आंसर अभी हम करके चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई मतलब नहीं इसमें। फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर POS एंड COS क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट होंगे ना, ये तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों एब्सेंट होंगे, ये दोनों एब्सेंट होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उस कंडीशन में ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन में काफी इजी क्वेश्चन है, तो तुम्हारे लिए एक होमवर्क लेके आया था, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ, जब भी डबल बॉन्ड होगा कार्बन, इस वाली कंडीशन में जो भी हैलोजन लगे होंगे उनको बोलते हैं विनाइलिक हैलोजन या विनाइलिक पोजिशन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पर होगा ना, जैसे कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो ये हो गया, उसको बोलते हैं एलाइलिक कंडीशन, यहाँ अक्सर बात उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलोजंस, इसको विनाइलिक हैलोजंस। अब ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब बात करते हैं, एन एजोट्रोपिक मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर द टू लिक्विड्स। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, इसका मीनिंग ये है कि ए है और क्या था बी है, अब जो मिक्सर बना ना ए बी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट, अब वो बोल रखा है कि इसका जो क्वांथनांक है वो क्या उच्च है, मतलब इन दोनों से ऊपर है। इस कंडीशन में क्या हुआ होगा कि जो ए बी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, अच्छा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही होगी, बॉन्डिंग है, यहाँ पर क्या हो रही है, बॉन्डिंग, या बोल सकते हैं एच बॉन्डिंग या सोल्यूशन हो रहा होगा इस कंडीशन में। तो मुझे बताओ, दो मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो उन्हें अलग करना इजीली होगा ना, और एक वही दो मॉलिक्यूल्स क्या हो, टच अच्छे से टच में हो, तो इनको ज्यादा हीट चाहिए होगी ना अलग अलग करने के लिए, और बॉइलिंग का मतलब होगा मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करके उनको गैसियस फॉर्म में भेजना, तो जो जितने दूर होंगे वो इजीली दूर जाएंगे, और जो पास होंगे तो पहले तो इनको दूर करोगे फिर भेजोगे, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। तो मुझे बताओ, जो पास वाले ज्यादा पास होंगे वो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेंगे, दूर वाले ज्यादा वॉल्यूम कवर, तुम बोलोगे सर जो पास में वो तो वॉल्यूम कम कवर करेंगे ना, इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, और वॉल्यूम कम होने को ही क्या बोलते हैं, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लो, तो आंसर ए, ऐसे कंडीशन ऐसे देखा जाता है, क्योंकि जो जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म लेते हैं ना, वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं, पर इनमें क्या हो रहा है, अगर एच बॉन्डिंग यहाँ पर बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बोल रखा है कि जो ये जो प्रोपीन है, 1-propanol है, उसको किसको किसमें चेंज करना, उसको चेंज करना है, एक मिनट, ठीक है, प्रोपीन है ना, उसको चेंज करना 1-propanol में। तो अब मुझे बताओ, ये है जैसे कि मैंने बोला ये वाली कंडीशंस अपने पास है, अगर हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे बॉन्ड का, तो हमें पता है इस साइड क्या होगा, प्लस तो बीच में आएगा, नेगेटिव इस पर आएगा, तो इसकी ये स्ट्रक्चर्स बनने वाली है, कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस। अब अगर हम नॉर्मल कंडीशंस लेते हैं ना, तो क्या होता कि वो अटैक यहाँ पर करता, उसे 2 डिग्री एल्कोहल बनाना, बट अपने को क्या बनाना, 1 डिग्री बनाना, तो 1 डिग्री वाली कंडीशंस में क्या होता है, जो BH3 होगा ना, BH3, अब ये क्या होगा, हमें पता है ये क्या इसको तो खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहाँ अटैच होता है, यहाँ अटैच होता जाके, और यहाँ अटैच होने के कारण जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है आगे, तो क्या मिलता है अपने को, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता, तो इसके लिए कौन सा सूटेबल रिएजेंट होगा, बी। अब मूव करते हैं, इसको एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसको मार्कोनिको प्रोडक्ट से जाएगी रिएक्शंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने बोल रखा है कि जो एसिटिल जो क्लोराइड है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं एसीटोन के अंदर, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, ये रिएक्शन तुमने देखी होगी कि ये केडीमियम के पास 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो क्या करेगा यहाँ से, क्या रिमूव हो जाएगा, केडीएम Cl2 तो रिमूव हो जाएगा, और 2 मोल क्या क्या फॉर्म होंगे यहाँ पर, CH3C OH, ये तो रिएक्टेंट हो गया, और यहाँ पर जो यहाँ से CH3 मूव होगा ना, वो यहाँ पर अटैच होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसीटोन के 2 मोल्स मिलेंगे, तो सबसे बेस्ट क्या होगा, ये होगा इसको चेंज करने के लिए। अब बोल रखा कि
The reaction of the ammonia with the large excess of the methyl chloride will be yield mainly. कि कौन सा mainly product मिलता? तो ये तो reaction काफी अच्छे क्वेश्चन से, मतलब मैं नहीं बोलता कि एग्जाम्स में आएगा, बट काफी एग्जाम्स में पहले आ रहा था, तो ये तो हर बच्चे को याद होगा कि कौन सा होगा इसका आंसर, कौन सा होगा? टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे. ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने के लिए, क्योंकि इन चैप्टर्स को काफी कम स्टडी की जाती है, बट मैं बता देता हूँ. यहाँ पर इसका ग्लूकोज की बोल रखा है कि स्ट्रक्चर्स में जो एनोमर कार्बन होता है ना, वो कौन सा होता? तो कौन सा होता? फर्स्ट कार्बन होता. कौन सा होता? फर्स्ट कार्बन होता. अब ऐसे एक क्वेश्चन आता कि एपीमर कार्बन, तो फर्स्ट के अलावा जो कार्बन होंगे ना उनको एपीमर बोलते हैं. जो ग्लूकोज और मिनोज होता है ना, ग्लूकोज और मिनोज, वो एक दूसरे के क्या है? एपीमर्स है. और वो भी कौन से कार्बन पर? सी टू कार्बन के एपीमर्स है. एपीमर्स है, ठीक है. और ऐसे क्या सी फोर कार्बन पर ग्लूकोज और गैलेक्टेज होता है ना, वो एपीमर्स होते हैं. और सी टू पर कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज और मेनोज. और सी फोर पर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. अब मूव करते हैं. डेफिशियंसी ऑफ द विटामिन बी की कमी से कौन सा होता? बेरी बेरी. देखो ना, बी बी आर तो याद करो कि बेरी बेरी, ठीक है, बी से होता है. अब बात करते हैं कि जो देख जो ये सेकेंडरी सेल्स होती है ना, तो उसको जो बोल रखा है कि ये इसकी जो चार्जिंग वाली कंडीशन होंगी ना, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस कंडीशन में क्या होगा? PbO2 से किस में कन्वर्ट होगा? ये Pb में कन्वर्ट होगा. तो ये क्या होगा? इसके एनोड वाले पार्ट पर क्या होगा? इसके एनोड वाले पार्ट पर डिपोजिट होगा लेड. हम मूव करते हैं. ये क्वेश्चन, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है. बोल रखा है कि विच वन इज द डज नॉट, या विच वन इज द डज नॉट फॉलो द राउस लॉ, ठीक है. ये आइडियल सॉल्यूशन बोल रहेगा ना. अब बताओ आइडियल सॉल्यूशन का कब होगा? मैं बोलूँ कि अगर दो क्या है सॉल्यूशन सेम है, उनको मिलाओगे तो आइडियल बनेगा. तो मुझे बताओ जो बेंजीन और टोलुइन, टोलुइन क्या होता? बेंजीन पर सी एस थ्री लगा होता, तो ये दोनों सेम होते हैं. ये भी सेम होता, ये भी सेम होता. हेक्सेन और हेप्टेन दोनों सेम है ना, हाइड्रोकार्बन, कुछ चेंज ही नहीं है. एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, या क्लोराइड चेंज है या ब्रोमाइड चेंज है, और तो कंप्लीट सेम है ना, हेलोजन ही तो है. बट या नाइट्रिक एसिड और वाटर अगर कंप्लीटली डिफरेंट होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड एंड वाटर हो जाएगा इसका आंसर. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे. अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन, इसको रीड करो एक बार. इन्होंने बोल रखा कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज द डबल व्हेन द इनिशियल कंसेंट्रेशन इज द डबल. तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके लिए? एक कॉन्सेप्ट होता, इसको इसे याद रखा करो, जो टी हाफ होता है ना, इसमें काफी क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारा. उसका रिलेशन होता ए की पावर एन माइनस वन होता, ये रिलेशन होता. तो हमें बोल रहा है कि दोनों का चेंज सेम होगा ना, तो जस्ट अगर मैं इसको माइनस ऊपर भी लेके आऊ ना, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपोर्शनल टू ए की पावर, ऊपर जाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का तो एन हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, तो वन माइनस एन हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा इसमें. पर तुम्हें यही याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारी. अब बोल रखा है कि अगर इसको हाफ किया ना मैंने, इसको हाफ किया तो क्या हुआ? ये भी हाफ हो गया इसका. तो बताओ क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए कि दोनों सेम आए? तुम बोलोगे सर वन होनी चाहिए. और वन कब आएगा? जब एन क्या होगा? जीरो. तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी. अब मूव करते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स. सबको पता है किसके पास डी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसका एटॉमिक नंबर भी दे रखा. इसको कैसे लिखते हैं? कैसे लिखोगे इसको? 4s 2 और 3d 6 लिखोगे. और इसमें तो इसमें 2 और d पर कितने होंगे? 3. इसमें d पर कितने होंगे? 2. इसमें d पर होगा 1. इनके एटॉमिक नंबर्स निकालते. बट अब यहां पर चेक करते हैं ना, टी आई प्लस 3 है. प्लस 3 का मतलब क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बचेगा? टी आई प्लस 1 के लिए क्या होगा? डी 1 हो जाएगा ओनली. और टी स्केडियम, स्केडियम पर कितना चार्ज दे रखा? प्लस 3 चार्ज दे रखा. स्केडियम प्लस 3 चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? अभी डी 1 है ना, तो क्या बचेगा? डी 0 हो जाएगा. स्केडियम के लिए क्या हो जाएगा? डी 0 हो जाएगा. अब हम बात करते हैं, आंसर तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, बट मैं कैसे सोल्व करते हैं अप्रोच बता रहा हूँ, ताकि हम एक क्वेश्चन के हेल्प से क्या कर सकें, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए ना अगर सेम पैटर्न के, तो तुम इजिली अटेंड कर सको, ठीक है. तो इसमें 0 हो गया. अब हम बात करते हैं वेनेडियम की. वेनेडियम में क्या हुआ? डी 3 है ना, और एस पर 2 है. अब इस पर वेनेडियम पर भी प्लस 3 है, तो 2 तो ये जाएंगे और एक यहाँ से. तो वेनेडियम प्लस 3 के लिए क्या बचेगा? प्लस 3 के लिए डी 2 बचेगा यहाँ पर. अब इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, बट अब एफ में चेक करोगे ना, तो 2 तो यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से, तब भी क्या बचेगा? एफ प्लस 3 के लिए क्या बचेगा? डी 5. और डी 5 सभी तो अनपेड होंगे ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या होंगे? आंसर ए हो जाएगा इससे. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर.
विच ऑफ द फ्लोविंग इज द पॉलीडेंटेट लिगेंड. पॉलीडेंटेट का मतलब कब यूज करते हैं, पॉली का बटा लेते हैं, मोर देन थ्री से ऊपर जाते हैं इसका यूज करते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं ये कौन सा, ये तो मोनो है ना, मोनोडेंटेट है. ये क्या डाइडेंटेट है, ये भी डाइडेंटेट है. बट जो EDT है ना, EDT सिक्स साइड से डोनेट करेगा. तुम बोलोगे सर इतना कंटिन्यू बोलोगे तो गला जाम होगा ना, कोई नहीं. ठीक, अब चेक करते हैं क्या हुआ. EDT क्या था, EDT की क्या होगा, सिक्स साइड से डोनेट करेगा ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. और इसके साथ में जो MP डेंटेट होगा ना, उसका एग्जांपल भी EDT होता है, क्योंकि EDT कहां से डोनेट करेगा. इसके अंदर फोर तो क्या होंगे, ऑक्सीजन डोनर होंगे, फोर तो ऑक्सीजन डोनर होंगे, और टू क्या होंगे, नाइट्रोजन डोनर होंगे, ये याद रखना. अब बात करते हैं, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना तुम, EDT की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं EDT की फुल फॉर्म. बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड्स एग्जिबिटेड द लिंकेज आइसोमर्स, की कौन सा लिंकेज आइसोमर फॉलो करेगा, और लिंकेज कौन सा रहता जिनके अंदर डोनेटिक साइड एक से ज्यादा हो या डिफरेंट एटम्स हो डोनेट साइड चेंज के लिए. तो हम चेक करते हैं, तो हमें पता इसमें तो है नहीं, अब हमें पता जो NO2 होता है ना, NO2 का हर बार यही एग्जांपल में आ रहा है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नाइट्रो एन, नाइट्रिटो एन और नाइट्रिटो ओ भी यूज किया जाता. तो जब एन डोनेटिंग ग्रुप होगा ना या एटम होगा तब होगा नाइट्रिटो एन, और जब ओ डोनेटिंग ग्रुप होता तब होता है नाइट्रिटो ओ. तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर. क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा कि कंपाउंड अंडरगोज द कंप्लीट टेट्रा, कि जब जो क्या, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एक क्या कंपाउंड है, ठीक है. अब ये क्या करते हैं, चार मिलकर है ना, जो चारों मिलकर, जैसे कि ये चारों मिलकर एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है ना. और एसोसिएशन में क्या होता, एसोसिएशन में अगर चार बन तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 को सोल्व करोगे तो क्या होगा, 0.25. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी. अब ऐसे ही बोला ना कि ये क्या हो, डायमर बना रहा है, तो डायमर में क्या करोगे, 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा. ऐसे बोले कि हेक्सा बना रहा है या एक्टा, ठीक है. एसोसिएशन में क्या होता है, वैल्यू कम होती है, और डिसोसिएशन में वैल्यू बढ़ती है. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन्होंने बोल रखा कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है ना, उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, हमें पता क्या होती है, आर अपॉन 2K, ये इक्वेशन होती है सिंपली. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के सिंपल क्वेश्चन से बोल रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, तो कौन सा होता है, ए होता. और अल्फा और बीटा कहां से आइडेंटिफाई करते हैं, यहां से फर्स्ट कार्बन से आइडेंटिफाई करते हैं. अगर यही पोजिशन अगर इस वे में होती ना, इसको चेंज करके मैं यहां कर देता, ठीक है, तो ये क्या हो जाती, बीटा हो जाता है. ये वाले बीटा हो गए, ये क्या है, अल्फा है. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर. अब इस क्वेश्चन पर मूव कर, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो जिंक, केडमियम और मर्करी है ना, ये कि डिफरेंट केसेस हैं, तो डू नॉट बिहेव लाइक अ ट्रांजिशनल मेटल. अब ये क्यों होता, क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल्स होता है ना, कंप्लीटली फुलफिल रहता है. ये देखो बोल रखा है स्टेटमेंट में भी, ठीक है, रीड करो क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें तो बोल रखा है कि इन दोनों में कौन क्या रिलेशन है, तो बताओ क्या रिलेशन है दोनों में से. ये क्वेश्चन काफी आ रखे हैं, मतलब ये नहीं था, बट इसी पैटर्न के क्वेश्चन है. ये देखो मैंने बोला यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा, ये तो एक्सचेंज हो रहा है ना, मतलब लिगेंड्स, वो भी आयनिक लिगेंड्स एक्सचेंज हो रही है, और आयनिक लिगेंड्स एक्सचेंज होती है तब क्या होती है, आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म हो जाती है. ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर. ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि रिएक्शन बिटवीन द 1-phenyl-2-chloropropane विद एल्कोहलिक KOH है, और एल्कोहलिक KOH की कंडीशन में क्या करोगे, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन कहाँ बनेगी, 1-phenyl-propane बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले लेगा इजीली, तो इसका आंसर ए होगा. अब बात करते हैं कि व्हेन डाई इथाइल ईथर इज हीटेड विद द एक्सिस ऑफ द HI इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता ये रिएक्शन, इन्होंने बोला एक्सिस में दे रखा, अगर एक्सिस में नहीं होता ना ये कंडीशन, तो अभी हमें सोचना पड़ता कि एक तो एल्कोहल बनेगा और एक
आयोडाइड बनेगा, बट यहाँ एक्सिस में तो दोनों क्या बनेंगे आयोडाइड, तो इथाइल आयोडाइड बनेगा। और ये क्वेश्चंस को तुम स्टार मार्क कर लेना, ये कॉन्सेप्ट देख लेना एक बार जाके, क्योंकि इसमें दो कंडीशंस पूछी जाती है, इसमें SN1 से भी रिएक्शन जाती है और SN2 से भी रिएक्शन जाती है, तो इनकी जो कंडीशन है वो अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि एमिन्स की जो बेसिसिटी होती है ना, वहां से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा और एक यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आने वाला। अब बात ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 128। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि रिडक्शन ऑफ द एथेन नाइट्राइल। अब एथेन नाइट्राइल क्या होता, CH3CN होता। अब इसका रिडक्शन करोगे, इसका रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, अगर इसका रिडक्शन करने चलेंगे तो CH3 तो एजिटिस रहेगा, ये CH3 किस में कन्वर्ट होगा CH2 में, और N किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, तो 1,2 मतलब क्या हुआ एथेन, तो 1-amino-ethane हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉल्व करो इसको, हमने काफी बार डिस्कस किया है सेम क्वेश्चंस को, डिस्कस करो फास्टली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसको डिस्कस करेंगे, तो हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हुए ना, वही अपना नंबर ऑफ द फेराइड आने वाले हैं। चेक करने चलते हैं, MnO4 नेगेटिव है, इसका एक्स माना हमने, प्लस ऑक्सीजन कितने 4 ऑक्सीजन है, और हमें पता एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता, -2 चार्ज होता है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो इक्वल टू और चार्ज क्या -1, तो सॉल्व करोगे तो x-8 = -1, तो x = 7। ठीक है, अबे देखो ना 7 तो यहाँ पर है और यहाँ पर क्या +2 है, तो 7 से +2 में जाने को क्या बोलेंगे, 5 का चेंज हुआ ना, तो कितने फेराइड चाहिए, 5 फेराइड की नीड होती है। मूव करते हैं ठीक है, 130। अब 130 के अंदर ये बोल रखा है कि इन जो रिएक्शन है ना, इसके अंदर बोल रखा है कि जो इसकी कंसंट्रेशन है उसको क्या किया इन्होंने, 4 times, एक मिनट यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी सांद्रता को क्या किया इन्होंने, जो कंसंट्रेशन को 4 times इंक्रीज किया ना, तो क्या करता है ये, अपने जो इसका डेट होती ना वो 16 times क्या होती, इंक्रीज हो जाती है। मैं बोलू R C^n है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में बोल रखा है कि डेट कितनी हो गई, 16 हो गई, और कब हो गई, जब सी को क्या किया उन्होंने 4 times किया, तो एन की वैल्यू क्या होगी, कि एन की वैल्यू क्या होगी, कि कब पॉसिबल होगा वो 16, तो हमें पता है कि क्या कब होगा, जब एन की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, अरे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो उससे क्या होगी, एन की वैल्यू 2 रखनी होगी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 हो जाएगी। अब बोल रखा है कि ये क्वेश्चन हमने लास्ट जो सेशन वाला वीडियो किया था हमने, उसमें भी कर रखा है क्वेश्चन, जाके देखना, वो तो वैसे भी ओनली 35 मिनट का है ना, और उसमें हमने 80 क्वेश्चंस के समथिंग डिस्कस करा, जाके देखना एक बार फास्टली, है ना। अब इसके अंदर माल्टोज होगा इसका आंसर, मैंने उसमें बताया था कि वो स्टार्च और माल्टोज दोनों से जो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, इन्होंने बोल रखा है कि जो एनीमिया होता है ना, ये किसके कारण होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण होता है इसको। ठीक है, अब ये बोल रखा है कौन सी रिएक्शन से, तुम फास्ट लोगे सर अल्फा हाइड्रोजन से, तो क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन, तुम टिक करके आओगे एल्डो कंडेंसर से, और यही गलती हो जाएगी, क्योंकि हम जब इतने इजी क्वेश्चन आते ना तो हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सबसे पहले क्या होगा, एग्जामिनर हो तो पहले एक बार कंट्रोल करके 4 options रीड कर लेना, तो 4 options रीड करोगे तो भाई यहाँ पे क्रॉस भी दे रखा है, तो क्रॉस का मतलब क्या होगा, ये डिफरेंट रिएक्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट रिएक्टेंट में क्या होता है, क्रॉस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा ना कि ये होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा कंट्रोल पेशेंस के साथ एग्जाम करना। मूव करते हैं नेक्स्ट बार, बोल रखा कि ऑक्सीडेशन +3 किसकी होगी, ऑक्सीडेशन +3 किसकी होगी, तो ऑक्सीडेशन +3 चेक करने जाओगे, इससे पहले अगर इनको चेक कर देना, सभी की ऑक्सीडेशन निकालते, इसकी है +1 है ना, तो 2 × 1 हो गया। ठीक है, प्लस इसकी हमने निकल की क्या माना, हमने x माना, साइनाइड पर कितना होता -1 होता है एक पर, और कितने साइनाइड से 4। ठीक है, अब सोल्व करो, इक्वल टू 0 है, इसको सोल्व करोगे तो 2 + x - 4 इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, x - 2 = 0, तो x = कितना आएगा 2 प्लस का, तो इस पर ऑक्सीडेशन क्या आएगा +2, ऐसे यहाँ सोल्व करोगे इस पर तो +4 हो जाएगा, इसका हमने माना x माना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, तो यहाँ पर भी इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा +2 चार्ज आ जाएगा इस पर भी। अब यहाँ पर सोल्व करोगे इस पर हमें पता 0 होगा, न्यूट्रल लिगेंड है, और +2 इस पर है, तो वो +2 चार्ज इस पर आ जाएगा कॉपर पर, तो अपने को चाहिए +3 वाला ना, तो +3 कौन सा बचा, ये इसको भी सोल्व कर लेते हैं। हमें पता है x को x माना हमने आयरन का, इसको जो है ना
ये कितने लिगेंड्स है, थ्री लिगेंड्स है, तो थ्री हमने मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे ना, जो ऑक्सिलेट आयन होता है उस पर चार्ज होता है माइनस टू चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है माइनस टू चार्ज होता है एक ऑक्सिलेट आयन पर, और इक्वल टू क्या है कॉम्प्लेक्स पर माइनस थ्री चार्ज है। इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से प्लस थ्री आने वाली है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं, इन्होंने बोल रखा कि डाइमराइज हो रहा है, ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि डाइमराइज के लिए हम क्या करते हैं एसोसिएशन हो रहा है ना, और एसोसिएशन के लिए क्या होगी वैल्यू कम होगी, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ द आयंस कम होंगे तो क्या होगा 0.5, अरे डाइमराइज का मतलब 1/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था वो चार एटम्स मिलकर मतलब चार आयंस एक जगह होकर क्या बन रहे थे क्वार्टेट बना रहे थे, उस कंडीशन में 1/4 किया था तो वहां क्या आया था 0.25 आंसर आया था अपना, यही आया था ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रीड करो क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इन्होंने बोल रखा है कि ये क्या रेट रिएक्शन है, इन्होंने बोला कि के को इसको तो हमने कॉन्स्टेंट रखा, अब हमने चेंज किया बी पर। अब मुझे बताओ जो आर प्रोपोर्शनल हुई डायरेक्ट बी के तो स्क्वायर के है ना भाई टू है ना, अब बोल रखा कि बी की कंसंट्रेशन इन्होंने क्या किया डबल की है तो आर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, ये डबल किए तो क्या होगा आर कितना हो जाएगा 4R होगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो ये 4 होगा, तो अगर कंसंट्रेशन 4 बढ़ेगी तो रेट भी तो 4 टाइम्स बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, 1-phenyl 2-chloropropyn alcohol, ठीक है ये क्वेश्चन में क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा जो ये डबल बॉन्ड्स आएगा ना वो क्या होगा रेजोनेंस में, इसके कारण स्टेबल होगा बेंजीन रिंग से। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, अब बोल रखा है कि जो इंटरस्टाइनल जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनके लिए कौन सा करेक्ट है, यही है ना क्वेश्चन कि कैसे कैसे डिफरेंट और ट्रांजिशनल। तो पहले मैं क्या करता हूँ क्या होते हैं मेटल्स मैं बता देता हूँ पहले, जिससे कि ये क्या हुआ एक क्या है मेटल्स है, ये क्या मेटल का क्या एक रोड है या बोल सकते हैं कि एक ब्लॉक है मेटल का, और जो एटम्स है ये क्या है मेटल्स के एटम्स है, ये क्या मेटल के एटम्स है। अब जो ये स्पेस बचा हुआ ना यहाँ पर ये डार्क किया मैंने, जो स्पेस बचा हुआ ना यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर कोई भी स्मॉल एटम्स क्या होंगे यहाँ पर आके फिक्स हो जाएंगे और ये स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे कंप्लीटली रिजिड कर लेंगे। अब रिजिड करेंगे तो रिजिड होने के कारण क्या होते हैं काफी हार्ड हो जाते हैं, रिजिड और हार्ड होते हैं यहाँ पर, और चीजें तो सेम रहती है जैसे कि कंडक्टिविटी हो गई और मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह क्या होता तो हल्का सा चेंज होता है, बट हार्डनेस में क्या होता है काफी हार्ड हो जाते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट पे, बोल रखा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा ना क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या अमोनिया है, इसमें कोबाल्ट के साथ में क्या साइनाइड है। अब यहाँ कंप्लीट जो ये लिगेंड्स है ना ये कंप्लीट ग्रुप ही चेंज हो रहा है, और ये ग्रुप चेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, अगर एक या दो जैसे बाहर जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स के बाहर आती जाते उसको उस कंडीशन में बोलते हैं आयनिक, बट यहाँ पे तो कंप्लीट एक लिगेंड्स का ग्रुप ही चेंज हो रहा है, लिगेंड्स का ग्रुप क्या बोले मतलब पूरा एक कोऑर्डिनेशन स्पेस ही चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पर, अच्छा क्वेश्चन सही क्योंकि एग्जामिनर इस वे में सोचता है कि जैसे कि अपने पास क्या दो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, एक तो ये है और एक ये है, तो अगर उसको दोनों को रिड्यूस करवाना होता ना तो वो लेता है यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, क्या लेता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लेता हूँ, बट उसको यहाँ पर सिलेक्टिव रिडक्शन करवाना। अब सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए NaBH4 का चूज किया उन्होंने, अब सिलेक्टिव करवाना तो हमें पता होगा कि पहले रिड्यूस कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रिड्यूस होगा पहले ये कीटोन वाला ग्रुप होगा, एल्डिहाइड और कीटोन पहले रिड्यूस करता सोडियम NaBH4 एस्टर्स को वो रिडक्शन नहीं कर सकता, ये नहीं बोलूंगा करेगा ही नहीं करेगा लेकिन काफी स्लो करेगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, जिसका क्या होगा ओनली यही रिड्यूस होगा ये एजेटिस रहेगा, तो ये तो एजेटिस रहेगा और किस में रिड्यूस करता है एल्कोहल में, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अब हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में बोल रखा कि सेम क्वेश्चन अभी तो किया था ना फिराडे वाला यार, बहुत क्वेश्चन आते फिराडे के, बोल रखा कि कॉपर है प्लस टू है ना सल्फेट के अंदर, यहाँ प्लस टू पर चार्ज होगा ना और जीरो पर आ रहा वही क्या कितना चेंज होगा प्लस टू से जीरो में आएगा तो टू इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा और टू इलेक्ट्रॉन्स मोल के लिए कितना चाहिए टू फेराडे की नीड होती है तो डी हो जाएगा। अब बात कर रखा है इन्होंने कि क्या है कि एक इनिशियल कंसेंट्रेशन को इन्होंने रिड्यूस किया 1/4 किया और ये जीरो ऑर्डर के लिए करते तो टी हाफ की बात आते हमें पता जो टी हाफ होता जीरो ऑर्डर के लिए वो क्या होता आर अपॉन 2k होता, बट अभी हम k वगैरह को बात नहीं करते तो इसको क्या बोलते हैं टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल हुआ आर के प्रोपोर्शनल हुआ।
अब इन्होंने बोला कि जो आर की कंसंट्रेशन क्या की है, इन्होंने 1/4 की है, वही अगर ये 1/4 होगी तो ये भी तो 1/4 हुई ना, तो ये भी 1/4 हुई, तो 1/4 टाइम क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो क्या हो जाएगी, रिड्यूस टू 1/4 पार्ट। अगर इसको इंक्रीज करते तो ये इंक्रीज हो जाती है, या फिर रिड्यूस किया तो ये भी, इसको रिड्यूस किया है तो ये भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगी 1/4 पार्ट टाइम से। अब हम मूव करते हैं, ये काफी अच्छी नेम रिएक्शन है, क्या है इस नेम रिएक्शन, इटार्ड, क्या है, इटार्ड रिएक्शन से, कौन सी, इटार्ड रिएक्शन से। अब बोल रखा कि प्लस फोर किसमें है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, हमें पता कितना प्लस टू इसका, तो कैलकुलेट किया था ना, प्लस टू इसका माइनस फोर हो गया चारों के कारण, इसका ओवरऑल कितना आया, प्लस टू चार्ज निकल गया है। इसकी बात करते हैं, इस पर भी प्लस टू है, अभी निकाला था हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में। इसको सोल्व करते हैं, इस पर क्या माइनस टू, इस पर जीरो, और इस पर एक्स मानेंगे तो इक्वल टू जीरो, तो एक्स पर क्या निकल के आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, प्लस टू वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ये बचता, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, या अपना जो मेथड है, इसको हमने एक्स माना, हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड होती, तो इसका हो जाएगा जीरो प्लस कितने सी एल है, टू, एक सी एल की वैल्यू होती है माइनस वन होती है, और ओवरऑल चार्ज इस पर है टू चार्ज है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस टू इक्वल टू प्लस टू, इसको सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इधर जाएगा था प्लस में, तो प्लस फोर, आंसर डी हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर बोल रखा है कि अगर इसको हम डिसोसिएशन करवाते हैं तो कितने आयंस मिलेंगे, तो कितने आयंस मिलेंगे भाई, ये तो वाटर ना, तो इसको थोड़ी काउंट करने बैठोगे, तो ये देखो किस किस में चेंज होगा, कैल्शियम प्लस टू और टू सी एल नेगेटिव, तो वन और टू कितने हो गए, थ्री, तो क्या हो गया, थ्री। अब बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबको आता है इक्वेशन ए हो जाएगा इसमें, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉपर प्लस टू है ना, तो ये कौन सी हेलाइड नहीं बनाता, तो कौन सी नहीं बनाता, ये आयोडाइड नहीं बनता, क्योंकि ये काफी गुड वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्लस वन में कन्वर्ट कर देता है, इसको कॉपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्लस वन में, और यहाँ पे क्या है, अभी कॉपर, कॉपर प्लस टू है, तो इसको क्या करता, इसको प्लस वन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए क्या होता, ये नहीं बनता यहाँ पर। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस, तो ये तो अभी हो गया, तो ये क्वेश्चंस क्या हो रहा है, मतलब थ्री टाइम्स रिपीट हो गया क्वेश्चंस, ठीक है। बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, बट ये क्या एक टर्म ही कंप्लीटली डिफरेंट आ गई है यहाँ पर। सब हम टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चों से ही पूछोगे कोरोजन क्या है ऑफ आयरन, तो इसके लिए वो बोलोगे सर रस्टिंग, रस्टिंग होती है आयरन, ठीक है, आयरन के लिए रस्टिंग वर्ड लिया जाता है। बट अब यहाँ पर हमें पता है कि वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो भाई अब यहाँ पर तुम्हें बताओ ऑक्सीडेशन प्रोसेस सही नहीं, तो तुम क्या करोगे, टिक क्या करोगे। अब यहाँ बच्चे की भी गलती नहीं है, टीचर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि जब तक तुम ये क्वेश्चन देखोगे नहीं, तब तक कैसे कर लोगे कि ये इसका आंसर क्या होगा, तुम ये करोगे डिकम्पोजिशन बिल्कुल नहीं होती, रिडक्शन भी नहीं होती, चलो ये दो तो कट कर दोगे, तुम सोचोगे तो क्या होगा, अगर इसको अच्छे से सोचोगे ना, मतलब अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे एग्जाम के अंदर में, तो भी तुम इजीली कट कर सकते हो ऑप्शंस को, इसको बोलते हैं नेगेटिव अप्रोच, जैसे कि डिकम्पोजिशन तो नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है ना वो, अब यहाँ पर डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना चीजें, तो यहाँ पर टूटेगी तो नहीं ना, ब्रेकडाउन तो नहीं होता, फोटोकेमिकली नहीं होता, हम इसकी डेफिनेशंस में क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है, वो एक्वस कंडीशंस होती है, वाटर होता है और एयर होती है, तो ये एक प्रोसेस क्या होता है, एन इलेक्ट्रोकेमिकली प्रोसेस होता, तो इसका आंसर होगा सी। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, अच्छा क्वेश्चन से इसको सोल्व करो, इन्होंने बोला कि एसीटेल कौन सा है इसमें से, तो एसीटेल क्या होता है, जिसके अंदर ये ग्रुप होता है, ठीक है, एसीटेल इसे इस ग्रुप को तो बोलते हैं ना एसीटेल ग्रुप, तो मुझे बताओ इसको हम क्या काम देखते हैं, तुमने देखा होगा जब हमें प्रोटेक्शन करवाना होता है ना इसको, तो इससे डायरेक्ट इससे करवाया जाता है CH2OH और CH2OH से हम क्या करते हैं इसका प्रोटेक्शन करवाते हैं, ताकि हमें जो रिएक्शन करवाने ना वो अदर्स पार्ट पर करवा सके, इसको देते हैं प्रोटेक्शन, तो उसमें क्या हो जाएगा आंसर बीच चला जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चंस तो काफी इजी सॉल्व करो इसको। क्या हुआ, अरे काफी चीजें तो देख रखी यार तुम्हें, क्या होता है डी टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा नो, चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 4/9 इसको बोलते हैं कि 45% के समथिंग भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिनोल से जो कि कौन सा मोर एसिडिक होगा, तो फिनोल से मोर एसिडिक कौन होगा इसमें अंदर, हम चेक करते हैं, तो नाइट्रो फिनोल, नाइट्रो मतलब ये क्या हो गया,
ये तो बेंजीन रिंग हो गई, ये OH हो गया, और इस पर ओ नार ऑर्थो नाइट्रोफिनोल NO2, और क्या है ओ मेथिल, अरे एम तो क्या होगा प्लस आई इफेक्ट देगा ना, ये तो प्लस आई इफेक्ट देगा, ये एथेनॉल है तो इसे वैसे तो हो ही नहीं सकता, मेथोक्सी एथेन ये भी प्लस एम देगा, और ये देगा नाइट्रो ग्रुप कौन सा देगा माइनस एम इफेक्ट, और हमें पता एसिडिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है माइनस एम और माइनस आई की, तो इस कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा ये नाइट्रोफिनोल। अगर ये क्वेश्चंस कोई तुमसे अभी भी गलत हो ना तो बेटा केमिस्ट्री तुम्हारी बस की बात तो नहीं है, क्योंकि भाई इजीली कोई ना कोई भी बता सकता है इसके आंसर है। इन्होंने बोला विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज द हेलोजन एक्सचेंज, भाई अगर हेलोजन तो तुम्हें पता ना कि क्या होता है हेलोजन से, तो इसको कर सकते हैं ना, क्या देखना है इसमें हेलोजन किस में एक्सचेंज हो रहा, इसमें क्या हेलोजन एक्सचेंज दिख रहा है, क्या इसमें हेलोजन का एड हो रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ हेलोजन होगा तभी तो एक्सचेंज होगा ना। अब चेक करते हैं यहाँ पर ये आयोडीन है ठीक है, और यहाँ पर X, X का मतलब हेलोजेंस है, तो यहाँ पर क्या आई अटैच हुई है X बाहर निकल गया, तो इसको तो बोलेंगे ना हम एक्सचेंज हेलोजेंस का, तो आंसर बी होगा, इतना इजी इक्वेशन था, और ये नेम रिएक्शन में भी तुम्हें देखने को मिलेगा ये वाला इक्वेशन ठीक है। अब बात करते हैं, इन्होंने बोल रखा कि एक एक्स है अपने पास और एक वाई है, जब दोनों का डायल्यूशन किया ना तो एक्स तो कितने टाइम इंक्रीज हुआ 35% इसकी कंडक्टेंस, इसकी जो बोलते हैं इसकी हाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ इसकी कंडक्टेंस क्या हुआ 25% इंक्रीज हुई है, और जो वाई है ना उसकी ओनली चेंज हुई है 1.5 ये सॉरी हाँ ये ही होना ठीक है 1.5 इंक्रीज हुई है, तो मुझे बताओ कौन से इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अरे सबको पता ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डायल्यूशन पर इतना इफेक्ट नहीं शो करते, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना तो जब से जैसे डायल्यूशन करोगे तो उनकी क्या होती है आयनाइजेशन की कैपेसिटी क्या होती है इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन ज्यादा होने लगेगा, इसलिए क्या होगा यहाँ बोलेंगे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे ना वो तो कौन से होंगे एक्स, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कौन सा होगा वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 155 के अंदर कि व्हाट इज अ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो इसके लिए क्या करते हैं हम इजिली टिक कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो तुम्हें आज के बाद, तो इसके लिए क्या ट्रिक करोगे हमें पता रेट कैसे लिखते हैं, रेट लिखते हैं के, और यहाँ पर क्या टर्म आती है कंसेंट्रेशन की टर्म आती है उसकी पावर एन, ये लिखते हैं ना, और एक तुमने ये भी फॉर्मूला भी देखा होगा कि रेट कैसे लिखते हैं कि चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, यही होती है ना, तो हम क्या करते हैं रेट को दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर के ब्रेकिट सी की पावर एन इक्वल टू सी अपॉन डी टी, करेक्ट है यहाँ तक। अब सी को क्या करते हैं हम इस साइड पर, क्योंकि अपने को तो के की वैल्यू चाहिए ना, तो अगर के की वैल्यू चाहिए तो हम आगे सोल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा C की पावर 1, भाई कुछ नहीं तो 1 माना मैंने भी यहाँ पर 1 माना, अपॉन C की पावर क्या C की पावर n और dt adt रहा। अभी इसको n को ऊपर जाऊंगा तो किस में जाएगा माइनस में, तो क्या होगा यहाँ पर k इक्वल टू C की पावर 1 माइनस n अपॉन dt, ठीक है ठीक है ये होगा। अगर अब ये हो गया ना अब हम इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको, अब हम n की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर n की जगह 0 पुट करेंगे चलो c को भी हम क्या लिखते हैं c को हम लिखते हैं मोल पर लीटर लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ ना n की वैल्यू तो क्या हो जाएगी यहाँ पर c, मतलब अभी c लिखता हूँ मैं ठीक है c की पावर तो 1 अपॉन dt, यही होगा ना भाई 0 पुट करते इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा c को क्या लिखते हैं मोल पर लीटर एंड टाइम को क्या लिखते हैं सेकंड, अब से सॉल्व करो क्या है इसका आंसर मोल पर लीटर पर सेकंड, सॉरी या इनवर्स है तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आंसर। अगर सेकंड ऑर्डर का निकालना होगा तो क्या होगा, अगर एन की वैल्यू यहाँ पर 2 करोगे ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर निकलेगा 2, तो क्या हो जाएगा के की वैल्यू क्या हो जाएगी सी की पावर माइनस 1 अपॉन डी टी, ये 2 के लिए है, कौन सी ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर के लिए, ये वाला टू ऑर्डर के लिए, अब इसको पुट करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा जो मोल इनवर्स में था ना अब ऊपर आ जाएगा मोल, तो क्या हो जाएगा ये सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर, अच्छा क्वेश्चन सही है, मैं बोल रहा हूँ कि जो ये बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा जो एमिन से 100% शोरूम है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है कि एमिन की जो बेसिसिटी का स्ट्रेंथ पूछेगा ही पूछेगा वो ठीक है। अब बोल रहा है कि किसकी स्ट्रेंथ का क्या सीक्वेंस होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये स्ट्रेंथ कब शो करेगा स्ट्रॉन्ग, जब भी अपने लोन पेयर्स इजिली किसी को डोनेट कर सके, तो मुझे बताओ कौन सा डोनेट करेगा,
ये है, ये तो भाई पहले से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने साइड, ठीक है, जिसका माइनस एम बी है माइनस आई बी है, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा ना रिंग से कि अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर देने की जगह देखेगा इसको दे देते हैं, ये जब घर के भूखे हैं तो बाहर कौन खिलाने जाएगा पहले, तो इसको देगा, तो सबसे वीक तो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया सबसे वीक, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों के, ठीक है। अब ये तो बेचारा ना तो ये रिंग क्या करे, ना तो इससे इलेक्ट्रॉन्स मतलब इससे ना तो कोई खींचने वाला है और ना ही देने वाला, तो ये क्या करेगा, सोचेगा एक बार तो इसको भी दे दो और एक बार बाहर दे दो, ये सोच लेगा, ठीक है। ये कंडीशन अब इसकी बात करते हैं ना, ये क्या शो करेगा, प्लस आई शो करेगा और साथ में प्लस वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा, तो इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिंग को देगा, अब रिंग को ये इलेक्ट्रॉन्स देगा ना, तो ये सोचेगा कि एक बार तो मैं इसको दे दूं और दो बार बाहर की साइड दे दूं मैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट बाहर कर लूं, तो सबसे अच्छा जो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सेकेंड की होगी, और फिर सेकेंड के बाद किसकी होगी, थर्ड की, और सबसे लीस्ट किसकी होगी, वन की, तो ये ऑर्डर यहाँ पर दे रहा था, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड तो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर थर्ड, और फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सबसे लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन सर, इजी है, अच्छा तो क्या है, बस इजी है क्वेश्चन सर, बोल रखा कि रिएक्शंस क्या होगी, सबको पता ना ये गिनार एजेंट है और गिनार एजेंट से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अब एल्कोहल कौन सा बनेगा, कि एल्कोहल कौन सा बनेगा, एथेनॉल बनेगा या मेथेनॉल बनेगा, इसको बात करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, अगर इसकी रिएक्शंस करेंगी होगी तो सी, ठीक है, एच है यहाँ पर, एच है यहाँ पर, ओ एजेटिस जाएगा माइनस पर, जिस पर क्या जुड़ेगा, ये एम जी आयोडाइड जुड़ेगा साथ में आके, और यहाँ पर जुड़ेगी सी एच थ्री। अब जो आगे वाटर से रिएक्शन होगी ना, वाटर से, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एच टू सी, ऊपर ओ एच जुड़ गया और ये सी एच थ्री एजेटिस बन गया, तो कौन सा ये एथेनॉल, तो कौन सा बना, एथेनॉल बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब मूव करते हैं, ये क्वेश्चन आ गया क्या पहले, ठीक है, आ गया था, लेकिन उसकी वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, सिंपल बोल रखा कि पेंटेन टू ओन एंड पेंटेन थ्री ओन में से किस तरह से हम इसको डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, तो सिंपल है ना, हमें पता पांच कार्बन बनाते हैं, वन टू थ्री फोर और फाइव, भाई जब अगर कीटोन यहाँ पर होगा ना, तो यहाँ पर कौन सा होगा, सी एच थ्री, और जब भी सी एच थ्री होगा तो ये कौन सा टेस्ट देगा, कौन सा देगा, अरे अब तो दिख रहा होगा ना, ये टेस्ट देगा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि ये थ्री पेंटेनोन क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसके पास में मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, जिससे किससे चेंज कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट से। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी हम देख रहे हैं, अगर टिक्की लगाना होता तो हम फास्टली मूव कर सकते थे, बट ये क्या है, रिविजन है ना, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा ना, तो तुम उस चैप्टर को ज्यादा जाके देखो, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कौन देगा, अब हमें बता कौन देता है, एमाइड्स देती है, तो एमाइड्स ओनली प्रेजेंट ईसी में है, ठीक है, कौन सा डी, तो इसका अगर होफमैन ब्रोमाइड प्रोडक्ट क्या होगा, हमें पता एकम कार्बन का क्या मिलता है अपने को, एमीन, तो क्या मिलेगा अपने को, CH3CH2 and NH2, ये अपना प्रोडक्ट होगा इसका। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 160 पर, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मैं यहीं से निकालता हूँ, इसको हमने माना x मान लिया, इसके लिए हमें पता न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल के लिए जीरो हो गई, प्लस ये भी न्यूट्रल है तो इसके लिए भी कितनी हो गई, जीरो, ठीक है, प्लस अब एक सी एल की कितनी होती है, माइनस, ठीक है, माइनस वन होती है एक सी एल की, और कितने सी एल है, थ्री सी एल है, ठीक है। अब सोल्व करोगे तो सबको दिख ही रहा ना कि अब तो आएगा कि माइनस थ्री होगी इसकी, तो क्या हो जाएगी, सॉरी माइनस थ्री तो यहाँ इक्वल टू जीरो है ना, चार्ज कोई है नहीं इस पर, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री, तो प्लस थ्री। अब मूव करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, सोल्व करो, एक मिनट का टाइम है, वैसे ये क्या होगा याद कर लेना कि क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी होगा, कब बिहेव करेगा गैल्वेनोसोल, सॉरी गैल्वेनोसेल, जब ई एक्सटर्नल ज्यादा होगा, ई सेल से ज्यादा होगा, ठीक है। 161 ये एक रिमेंबर क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है, मैं पानी पीता हूँ, तब तक तुम ये क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो ब्रोक द पेन, नहीं होंगे तुमसे अगर नहीं हुए तो। अभी तक बोल रखा कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस के क्या होंगे, इस कंडीशंस का प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो उसका प्रोडक्ट्स क्या होता है, जब भी ये करवाते हैं तो क्या होता है, H2 और Cl2 रिलीज होगी और साथ में क्या बनेगा, NaOH बनेगा। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो मीडियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बोलोगे भाई टाइम के साथ में बेसिक मीडियम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर NaOH फॉर्म होता है,
ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में, विच ऑफ द फ्लोविंग सेल इज नॉट रिचार्जेबल, और कौन सी नहीं होती रिचार्जेबल। प्राइमरी सेल्स को हम क्या करते हैं, रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल्स को क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, और प्राइमरी सेल्स को क्या बोलते हैं, ड्राई सेल भी बोलते हैं प्राइमरी सेल्स को, ठीक है। अब बात करते हैं 164 क्वेश्चंस पर, बोल रखा है कि विच आयन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता, जो खुद रिडक्शन होना चाहिए, जो खुद का रिड्यूस करना। मुझे बताओ इसके पास अभी क्या D4 है, और इसके पास क्या D5 है, और क्रोमियम है ना, इसके पास क्या डी क्रोमियम प्लस 2 है ना, तो 4, ठीक है, इसके पास भी D4 है, और इसके पास तो D10 है। तो मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन इजीली लेना चाहेगा। तुम बोलोगे सर ये भी लेना चाहेगा और ये भी लेना चाहेगा, बट इसके पास तो क्या मतलब, ये तो पॉसिबल हो गए क्यों, क्योंकि इसके पास तो पहले D4 है ना, तो इस कंडीशन में अगर ये इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहेगा ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन जाएगी Cr+5, सॉरी इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 हो गया ना, तो ये वैसे भी इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजिली लेके क्या चाहेगा कि मैं Mn+2 में कन्वर्ट हो जाऊं, और मुझे D5 इलेक्ट्रॉन जो कि हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन मिल जाए मुझे। तो ये क्या चाहेगा कि हैप्पीली क्या करेगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, जो खुद का रिडक्शन करना चाहे ना, वही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अब बात कर रखा है कि कौन से इसमें से एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, जिसमें से मोर देन 2 डोनेटिंग साइट्स हो, या मोर देन या इक्वल टू 2 डोनेटिंग साइट हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। अगर सेम हो गए तो उसको हम एम्बिडेंट में नहीं काउंट करते, जैसे कि अगर EN है ना, तो EN को हम इसमें काउंट नहीं करते, क्यों, इसमें 2 साइड तो है डोनेटिंग, बट दोनों सेम है नाइट्रोजन से, बट यहाँ पर हम चेक करते हैं ना NO2 में, तो NO2 का तो काफी एग्जांपल्स आते हैं, तुमने सुना होगा ना नाइट्रिटो ओ और नाइट्रिटो एन, ओ कब यूज करते हैं जब ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट हो, और नाइट्रोजन कब यूज करते हैं जब नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट हो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब इस क्वेश्चन का काफी इजी क्वेश्चन से अच्छा तो क्या बोलेंगे, बोल रखा कि द ऑस्मोटिक प्रोसेस, सॉरी प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, इफ कब इंक्रीज होता है, जब उसमें जो सॉल्यूट के नंबर बढ़ेंगे ना, उसके साथ में इंक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीज। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं, क्वेश्चंस बोल रखा कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज द कॉल्ड पिक्रिक एसिड, इसको मार्क कर लेना, किसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर में बना देता हूं, ये वाली स्ट्रक्चर्स होती है OH यहाँ पर होता है, और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2। बोलो सर सही है, नहीं तुम बोलोगे सर आपको आता नहीं, बोले अब ठीक है हैप्पी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। अब क्वेश्चंस ये नहीं आता यहाँ पर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना, बट बच्चा बच्चा ये भी जानता है कि हाँ ये एसिड होता है, इसकी बोलोगे सर इन दोनों में से कौन सा एसिड होगा, तुम बोलोगे सर ये होगा, बट मैं बोलूं कि अब बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा यहाँ पे, चलो चलो एक और लगा देते हैं, 2 कर देते हैं इसको, और COH कर देते हैं, अब बताओ कौन, बेटा अभी भी यही ज्यादा होगा, तुम बोलोगे क्या सर, बेटा क्वेश्चन यही आएगा, क्वेश्चन से सीक्वेंस नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा कि 4 ऑप्शंस गिवन होगी, ये तुम्हें बोलेगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, या बोलेगी कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें COOH ग्रुप एब्सेंट है, ये कौन सा वो ग्रुप है या कौन सा वो सब्सटेंस है जिसमें एसिड ग्रुप तो एब्सेंट है बट वो क्या एसिड है, काफी अच्छा एसिड है, ये बोले स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कौन सा वो पिक्रिक एसिड जाएगा उसका आंसर, ठीक है, कौन सा जाएगा पिक्रिक एसिड, तो इसका आंसर ऐसे जाएगा। अब बात करते हैं 100 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्या नंबर बोलना, बोल रखे कि ये क्वेश्चन भी हो गया क्या, 1-dichloroethane एथेनॉल की प्रेजेंस में करोगे डाइक्लोरो, ठीक है, इसकी कंडीशन ये दे रखी है, इस पर क्या CH2 CL एक CL यहाँ पर है और एक CL यहाँ पर है। अब बोल रखा कि एक ही मोल ले रखा है इन्होंने, KOH का क्या ले रखा, ओनली 1 मोल ले रखा, तो क्या रिएक्शन हो गया इसमें, हो जाएगी CH(CH)CL हो जाएगी। अब इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। अब लोग सर 2 मोल लिए होते तो 2 मोल होते ना यहाँ पर, तो ये 2 मोल लिए होते यहाँ पर 2KOH होता ना, तो क्या होता है यहाँ पर CH(CH) हो जाता, ये वाली कंडीशंस बन जाती, ठीक है, इसलिए 1 मोल लेने का इनका ये मकसद है कि क्या करवाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है, रीड करो क्वेश्चन को फास्टली, बोल रखा कि अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, B12 को क्या बोलते हैं भाई, साइन ऑफ
कोबालेमिन बोलते हैं। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी मेटल होती है, तो मेटल मेटल इसमें क्या होती है, कोबाल्ट मेटल होती है, या याद रखना क्या होती है, सीओ कोबाल्ट मेटल होती है इसमें। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा बेस जो आरएनए में तो प्रेजेंट हो और डीएनए में एब्सेंट हो, कौन सा होता है भाई, यूरेसिल का ही डिफरेंस होता। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं, ये क्वेश्चंस रीड करो और बात करते हैं क्वेश्चंस पर। आउट ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशनल एलिमेंट इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा शो करेगा भाई, हमें पता ना एमएन की कितनी होती है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें, और क्रोमियम की कितनी होती है, +6। ये दोनों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन 3D के अंदर। तो नेक्स्ट पर बात कर बोल रखा है कि जो जो ये होती है ना इंडस्ट्री होती है, टेनिंग जो लेदर की इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर ये जो हार्डनिंग लेदर फॉर्म होता है वो क्यों फॉर्म होता, ये होता म्यूचुअल कॉन्क्यूलेशन से होता है। तो आंसर सी हो गया। अब ये क्वेश्चन तो वो है ना कि तब अगर तुम्हें देखा होगा तो अटेंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे इसके ऐसे क्वेश्चन से। तो इसलिए बोलते हैं ना टीचर्स, भाई टीचर तो सब वेस्ट पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए बोलते हैं तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ताकि एक या दो क्वेश्चंस अगर तुम्हें नए मिल गए ना जो तुमने फर्स्ट टाइम देखा, तो उस टाइम तो तुम गलत करोगे, बट एक ही उसको गलत करने बाद तुम्हें ये उसको चेक भी तो करोगे ना कि आंसर अपना करेक्ट है या गलत है, तो वहां पर तुम क्या करोगे, वहां से उनके करेक्ट आंसर मिल लेंगे और तुम्हारी जो डिक्शनरी होगी ना, यहाँ वाली डिक्शनरी, उसमें फिट हो जाएगा वो आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर, काफी इजी क्वेश्चन कर लो ये मेरे टिक लगाने से पहले। इसका यूपीएससी नेम तुम बोलोगे सर 1 2 3 4, मैं बोलूंगा यहीं से गलत है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2। अब तुम यहाँ जाओगे या यहाँ जाओगे, बोलोगे सर दोनों सेम ना, बट मैं बोलूंगा मैं दोनों जगह नहीं जाऊंगा, मैं तीसरी जगह जाऊंगा ना यहाँ पर 2 3 और 4। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे ना तो क्या नाम हुआ, 2 2 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो कहाँ हो गया, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, अपना ए आंसर हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होता है, जो अमीनो एसिड्स को जो बांध के रखता है ना, जो 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 ठीक है बोलते हैं ना बॉन्ड को, जो जो क्या बॉन्ड जो बांध के रखता है ना उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उसका नेचर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या होगा, प्रोटीन्स में ना, तो प्रोटीन्स आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको इजीली हम ब्रेक डाउन करवा सकते हैं हाइड्रोलाइसिस से। ठीक है, क्वेश्चंस को बात करते हैं, ये हो गया क्या पहले, नहीं हुआ शायद। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टीशियल कंपाउंड, कि कौन सा इनकरेक्ट है, अरे कंपाउंड तो हो गया ना, मैंने भी एक्सप्लेन किया था, बस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट, इन्होंने बोले इनकरेक्ट पूछ रखा है यहाँ पर। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा, तो दे आर द केमिकली रिएक्टिव, ये तो गलत लग रहा है मुझे, तो चलो चेक करते हैं। दे आर वेरी बिल्कुल हार्ड काफी होते हैं, दे आर रिटेन द मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये भी करेक्ट है। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट तो होते हैं ना, हार्डली होंगे तो दोनों तो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ना, तो कौन सा रॉन्ग है, ये वाले, क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो आंसर ए। तो बोलोगे सर आपको ये भी नहीं पता, भाई मुझे पता था ना, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन अगर दिखे हैं तो कैसे तुम अप्रोच करोगे उन क्वेश्चन के लिए, तो अप्रोच क्या करोगे, तुम्हें अगर पता है रॉन्ग पूछा ना तो देखो कि तीन में से तुम्हें पता है कि ये तो करेक्ट है, तो रॉन्ग तो यही बचा ना उस कंडीशन में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फ्लोइंग रिफाइनरी बाई द यूज द जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, की कौन सी मेटल्स का रिफाइन जोन प्रोसेस के थ्रू उनको प्योर किया जाता, तो कौन सी के लिए किया जाता, ऑप्शन सी हो गया। इसके साथ में किसके लिए किया जाता, जी ए, और इसके अलावा सिलिकॉन के लिए क्या जोन प्रोसेस यूज किया जाता है, इन तीनों के लिए क्या यूज किया जाता है, जोन प्रोसेस यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट में बात कर रखा कि हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म है विद द एल्कोहल क्योज गिव द फॉर्मूला फॉर द स्मेल, बोल रहा कि फाउल स्मेल, फॉर्मूला नहीं फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। इससे देख के तुम्हें कुछ याद आया नहीं आया, भाई मुझे तो यहाँ देख इन दोनों को देख के याद आ गया। यहाँ पर एक टर्म आती है आइसोसाइनाइड टेस्ट, कौन सी टर्म आती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, और ये काफी फाउल स्मेल होती है, और आइसोसाइनाइड में क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर बी होगा यहाँ पर। और इसको वो कार्बन नाइट्राइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात मूव करते हैं 178 पर। अब क्वेश्चंस में बोल रखा है कि द कन्वर्जन ऑफ द एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का किसमें चेंज कर कन्वर्ट करना है, एन एल्कोहल बाय द एक्वस के अंदर। अब मुझे बताओ कि अगर RX है उसको चेंज किया है ROH में, तो कौन सी रिएक्शंस होती है, बोलोगे सर यहाँ पर अगर NaOH होगा तो यहाँ से OH जाएगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ से RX को रिमूव करेगा, और ये इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होते हैं, प्रतिस्थापन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो अपने दे रखी है SN1 और SN2 टाइप की रिएक्शन होते हैं, वो डिपेंड करेगा कि अब कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, कि ये अगर
वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है। मूव करते हैं, ये हो गया एसिड एमाइड, वापस से देखो ना कौन सी रिएक्शन से, होपमोन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है भाई। यहाँ पर दो कार्बन है तो अपने को पता है एक कम कार्बन का मिलने वाला ना, एमीन, तो क्या मिलने वाला है, एक कार्बन यहाँ पर दिख रहा है अपने को, तो सी हो जाएगा ये। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर, इसको भी तुम मार्क कर लेना, इसकी मैकेनिज्म अच्छे से देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आते हैं। अब बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसमें काफी इजी क्वेश्चन है, अब तक तो तुम्हें काफी रिविजन्स भी किया होगा, स्कूल में भी तो तुमने किया होगा ना, या अपने कोचिंग्स में क्या होगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ क्या होगा। हम बोलोगे सर फोर, रॉन्ग, ये क्या न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पर चार्ज जीरो होगा, तो इस पर भी चार्ज क्या होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज कोई दिख नहीं रहा ना यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में, तो चार्ज क्या हो जाएगा इसका, जीरो चार्ज हो जाएगा। बात करते हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं हमें पता, ये क्या होते हैं एम्बिडेंट होते हैं, क्या होते हैं उभयधर्मी या एम्फोटेरिक होते हैं, एम्बिडेंट नहीं एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, उभयधर्मी। उभय का मतलब क्या होता है, जो दोनों में बीच में हो, जो एसिड से भी वो रिएक्शन करे या बेस से भी रिएक्शन करे, उनको तो बोलते हैं एम्फोटेरिक। अब बात कर रखा है कि इन द मॉन प्रोसेस द गैस यूज की, कौन सी गैस का यूज किया जाता है इन मॉन प्रोसेस में, तो कौन सी गैस के लिए किया जाता, कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब अगर मेटल का पूछे तो इसमें मेटल का यूज किया जाता है निकल मेटल्स के लिए, ठीक है, जिसमें बनता है ना ये निकल CO4 बनता है, कॉम्प्लेक्स वाला बनता है, ये वाला मॉन प्रोसेस होता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, मे बी अभी एंड होने वाली है अपनी क्लास, ठीक है, लास्ट में पहुंच चुके हैं। इसके बोल रखा कि अगर एक क्या है केमिकल रिएक्शंस एक्स से वाई जा रही हो, ठीक है, एक्स से वाई, इट इज द फाउंड डेट द रेट ऑफ द रिएक्शंस डबल When the concentration of the X is the increased four time, the order of reaction with the respect to X. इन्होंने बोला कि अगर एक इसको क्या जा रहा है X से Y जा रहा, ठीक है, तो इसकी, ठीक है, इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ पहले, ठीक है, तो सिंपल भाषा में इसको करेंगे तो अगर हिंदी में देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया एक्स से वाई में यह पाया गया कि जब एक्स की सांद्रता क्या है, एक्स की सांद्रता क्या है फोर टाइम्स बढ़ाई गई है तो अभिक्रिया डबल हुई है। भाई एक्स की वैल्यू अगर हमने फोर एक्स करी है ना, तब रेट क्या हुई है यहाँ पर टू टाइम्स हुई है, रेट क्या हुई है टू टाइम्स हुई है, तो बल्कि यहाँ पर तो रेट बढ़ने की जगह कम हुई है, और कम कितने टाइम हुए हमें पता, रूट के हिसाब से हुई ना भाई, फोर का रूट कितना होगा टू, और रूट को क्या लिखते हैं वन बाय टू, तो रेट क्या हो जाएगी यहाँ पर वन बाय टू रूट हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 में, इन्होंने बोल रखा है कि किस में जो व्हाइट पीपीटी बनेगा, अरे व्हाइट पीपीटी के लिए हमें पता कब बनेगा, जिसमें AgCl मिलेगा अपने को, और AgCl किस में मिलेगा भाई, ये जो कॉम्प्लेक्स के बीच में तो रिएक्शन होने से ये तो ब्रेक डाउन होगा नहीं ना, तो जिसमें Cl बार होगा वही देगा, यहाँ पर भी बार नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर तो ओनली एंड ओनली कौन सा ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन बनता। बोला कॉपर मेट क्या होता है, तो कॉपर मेट क्या होता है, ये मिक्सचर्स को कॉपर मेट बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। अब आप होमवर्क सुनो, जो होमवर्क तुम्हारे लिए क्या होमवर्क रहने वाला, एक तो होमवर्क तुम्हारा ये है कि तुम जो एमिन्स की जो है ना इनकी जो बेसिसिटी वो देख लेना तुम अच्छे से, और इसके अलावा क्या हो गया, एक जो ग्लूकोज में जो होता है ना एपीमर, एपीमर एक तो कार्बन टू पर एपीमर, एक तो ग्लूकोज और मेनोज होता है, टू के लिए ग्लूकोज और मेनोज होता है एपीमर, ठीक है, ये देख लेना, और फोर पर का एपीमर होता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये बात हुआ। और एक अब जो अपने को पता है क्या होता, एक प्यारा सा थैंक यू, अगर ये सेशन अच्छा लगा हम आगे भी डिस्कस करते हैं चीजें, हम क्या अब जो सेशन होगा मैं चाहता हूँ लाइव करते हैं, और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के, तो उनका भी उनको भी पता चले कितना रिवीजन हुआ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, और अपने को थोड़ा ठंड कूल रखो, ऐसे नहीं कि माइंड डाइवर्ट मत करो, पहले एग्जाम कितने आवर्स का होने वाला, तुम्हारा 3 आवर्स का एग्जाम्स होने वाला ना, तो तुम ट्राई करो ना कि एटलीस्ट 3:30 तो तुम्हारी सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ना, अगर ये सीटिंग कैपेसिटी होगी तब तुम एग्जाम में जाके राइट कर पाओगे, तो सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ और आगे मूव करो, ठीक है। जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।